वेल फ्रेंड्स, 2024 में शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिनके पास में खाता नहीं होगा, यानी अकाउंट नहीं होगा किसी भी बैंक में। जो एक रकम मेंटेन वगैरह कर सकते हैं वो अपना प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जहां पर 10,000 से लेकर 25,000, 50,000, लाख रुपए तक मेंटेन करने होते हैं। जिनके पास में इतना पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें फीचर्स भी ज्यादा मिल जाते हैं। बट जो इतना मेंटेन नहीं कर सकते हैं, छोटी मोटी रकम मेंटेन कर सकते हैं, वो सरकारी बैंकों की तरफ रुख करते हैं, जिसमें उन्हें 2500, 5000, 10,000 रुपए तक मेंटेन करना होता है। और जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते फिर वो जीरो बैलेंस का रुख करते हैं। तो बहुत सारी बैंक जीरो बैलेंस ऑफर करती है आपको। उसके अलावा जनधन खाता खुलवा सकते हैं, वहां पर आपको जीरो बैलेंस का ऑफर मिलता है। उसके अलावा पेमेंट बैंक भी जो है जीरो बैलेंस ही ऑफर करते हैं आपको। तो वहां पर भी काफी सारे यूजर जो है अपना अकाउंट ओपन करके रखते हैं। यानी मैं सीधा सीधा आपको कहना चाहता हूं कि 2024 में हर कोई पर्सन ऐसा होगा जिसके पास में एक ना एक अकाउंट जरूर से ही होगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, इंडिविजुअल अकाउंट या अदर और भी कई टाइप के अकाउंट आते हैं, उनमें अपने अपना खाता खुलवा रखा हो। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उसके नियम क्या है, मतलब अपने सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा कैश में डिपॉजिट कर सकते हो, कितना आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो, और एक पर्सन के पास में कितने खाते बढ़िया होते हैं, यानी एक ही अकाउंट में ओपन करवाए या मल्टीपल बैंक्स में खाते ओपन करवा लें, उससे फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, और कितना इंटरेस्ट अर्न करना इनफ होता है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करने पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, या ज्यादा कैश डिपॉजिट करने पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है लोगों के मन में चलते रहते हैं। तो अभी इन सभी के ऊपर विस्तार में जानना चाहते तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में जो बचत खाता होता है उसमें आप कितना पैसा जो है कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो देखो, बस गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आप अपने खाते में 10 लाख कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो फाइनेंशियल ईयर जो है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक नहीं होता है, बल्कि ये जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस बीच में जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो वो एक फाइनेंशियल ईयर में काउंट किया जाता है। तो इस पीरियड में आप अपने खाते में 10 लाख का कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, जो कि आप चाहो तो एक बार में 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करवा दो, या फिर आप चाहो तो पूरे साल में पार्ट बाई पार्ट करके भी 10 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट करवा सकते हो। और एक रूल के अकॉर्डिंग आप 50,000 से ज्यादा का अमाउंट या 50,000 भी अगर आप एक बार में डिपॉजिट करते हो तो आपको अपना पैन कार्ड लेके जाना मैंडेटरी है, और ये आपको तब दिखाना पड़ता है जब आप काउंटर पर जाकर डिपॉजिट करते हैं। तो क्योंकि बैंकों को आरबीआई को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है जब भी कोई पर्सन 50,000 से ज्यादा का अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं होने वाली है, बट हाँ, आपके पास में ये रिकॉर्ड में होना चाहिए कि आपको ये पैसे कहां से मिले, जो कि आपको फ्यूचर में अगर इसके ऊपर कोई रिपोर्ट सबमिट करनी पड़े, यानी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए कि आपने ये पैसा कहां से अर्न किया जो आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो उसके लिए आप प्रूफ सबमिट कर सकते हो, देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इतने तक आप सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस करके लिखो। अगली जो कंफ्यूजन है, जो कि बहुत सारे यूजर्स को होता है, कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है। जैसे कि कुछ लोग बोलते होंगे कि आप 10 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हो ऑनलाइन भी, या कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि 25 लाख है, कुछ लोगों से सुना होगा 1 करोड़ है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से पेमेंट एक्सेप्ट करने का कोई भी लिमिट नहीं है। आप ऑनलाइन कितना भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, कितना भी पेमेंट रिसीव कर सकते हो, क्योंकि इसका कंप्लीट रिपोर्ट जो है आपके पैन कार्ड के थ्रू इनकम टैक्स के पास में चला जाता है कि कहां से पैसा आया और कहां आपने पैसे ट्रांसफर किए। हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस ये भी एप्लीकेबल हो सकती है, जैसे कि मान लो फॉरेन से कोई पेमेंट वगैरह आ रही है, तो वो पेमेंट आपको किस लिए आ रहा है ये आपको रेमिटेंस के थ्रू जो है बताना पड़ता है बैंक को, जो कि बैंक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सके इनकम टैक्स में कि ये पेमेंट जो है इस पर्सन को रेमिटेंस के थ्रू, फॉरेन के थ्रू ये पेमेंट रिसीव हुई, किस रीजन से रिसीव हुआ। तो इसे आप सिंपल सा समझ लीजिए कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहो उतनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये मैं सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूं। अगर आपका जनधन खाता में अकाउंट है तो वहां पर लिमिट है, वहां पर आप एक साल में आई थिंक 1 लाख या 1.5 लाख की डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो, और विड्रॉल तो आप पूरे महीने में 10,000 ही कर सकते हो, इससे ज्यादा विड्रॉल आप नहीं कर सकते। तो जनधन खाते का एक अलग ही कंडीशन है। तो आप जानना चाहते हैं कि इसके क्या कुछ बेनिफिट होते हैं, कैसे अकाउंट
ओपन किया जाता है। इस पर कंप्लीट वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो क्लिक दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में भी लिमिट नहीं होता है, क्योंकि करंट अकाउंट जो है बिजनेस पर्पज के लिए ज्यादातर लोग ओपन करते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपकी लेन देन होती है वो ह्यूज होता है, तो इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, कितना भी पैसा निकाल सकते हो ना किसी रिस्ट्रिक्शन के, यानी आपको करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ऑप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट कंफ्यूजन हो सकता है इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर को, तो मैं आपको बता दूं जो इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर है वो एज इट इज जो है सेविंग अकाउंट की तरह ही काम करता है, बस यहाँ पर नाम का डिफरेंस है, बाकी जो बेनिफिट्स हैं, बाकी जो कंडीशंस हैं, सब एक ही तरह का एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल और सेविंग अकाउंट के ऊपर। आप जान लेते हैं कि आप अपने खाते में कितना इंटरेस्ट अर्न करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बट उस लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करोगे देन आपको जो है टीडीएस काटा जाएगा 10%। मींस आप अपने खाते में 4000 रुपए तक इंटरेस्ट अर्न करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे कम होगा तो, लेकिन 4000 से ज्यादा का अगर आप अमाउंट जो है इंटरेस्ट के तौर पर अर्न करते हो तो आपके खाते से 10% का टीडीएस काटा जाएगा। ये टीडीएस आप रिफंड ले सकते हो जब आप आईटीआर फाइल करोगे, क्योंकि आईटीआर फाइल करते टाइम आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपका ये टीडीएस कटा है, तो इसे आप रिफंड ले सकते हो। अब बात करते हैं उस कॉमन क्वेश्चन की जो कि अधिकतर लोगों का होता ही है कि एक पर्सन कितने बैंकों में अकाउंट ओपन कर सकता है, तो उसका मैं सीधा सीधा आंसर करना चाहूंगा कि आरबीआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक पर्सन सिर्फ एक ही खाता खोलेगा या दो ही खाता खोलेगा, आपकी मर्जी है, आप जितने चाहो उतने खाते खोल सकते हो, जितने बैंक एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में या बाहर भी आप उन सभी में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई भी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं। इसके फायदे क्या हो सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर तो आपके पास में इनफ पैसा है, तो जैसे कि आपको पता है कि आप अपने एक सेविंग अकाउंट 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट करके रखोगे तो DICGC के तहत वो इंश्योर्ड होता है, यानी कल होकर उस बैंक के साथ में कोई अनहोनी हो जाती है तो आपका जो पैसा है 5 लाख रुपए DICGC के तहत आपको रिफंड किया जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो आपके पास में करोड़ों रुपए है तो आप एक बैंक में रखोगे तो दिक्कत हो सकता है, मल्टीपल बैंक में रखोगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा, आपको इंश्योरेंस के तहत जो वो पैसा रिसीव हो जाए। दूसरा बेनिफिट आपको ये भी मिल सकता है कि कैश विड्रॉ में आपको दिक्कत आती होगी अगर एक खाता है तो, क्योंकि वहां पर लिमिट होती है कि आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल आपके पास में अकाउंट होंगे तो आप उन सभी ATM से अलग अलग जगह पर जाकर ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हो, आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ये भी एक फायदा है। बट इसके नुकसान जान लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आप मल्टीपल बैंक अकाउंट यूज करने का सोचिएगा। नंबर वन नुकसान, आपके पास में इनफ पैसा नहीं है बट आपने अलग अलग बैंक में अकाउंट खुलवा लिया तो आपको हर एक बैंक में कुछ ना कुछ एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, आप उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। दूसरा नुकसान, आपको हर एक बैंक में डेबिट कार्ड की सुविधा तो मिल ही जाती है, कुछ एक बैंक में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप डेबिट कार्ड लो या ना लो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो आपको हर एक बैंक में डेबिट कार्ड दिया ही जाता है और उसके चार्जेस भी होते हैं जो कि 100 रुपए से लेकर 500-1000 रुपए तक भी होते हैं, तो आपको उसका भी चार्जेस देना है एनुअल। तो आप हर एक बैंक में मेंटेन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया बात है, लेकिन आप हर एक बैंक को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको ये सारे चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, चाहे डेबिट कार्ड के हो गए चाहे मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने के हो। और तीसरा नुकसान ये होगा कि आप अपने अकाउंट को यूज नहीं करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, फिर से आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे, तब जाकर वो अकाउंट ओपन होगा, फिर आप उसको यूज नहीं करोगे तो फिर से सेम प्रोसेस जो है रिपीट आपको करना पड़ेगा, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन करने से। तो मेरी राय में आपको यही सजेशन रहेगा कि आप 1 से 2 अकाउंट ओपन कीजिए, एक प्राइमरी अकाउंट जिससे आप ज्यादातर लेन देन करते हो और एक अपना जो है दूसरा अकाउंट ओपन कर लीजिए एडिशनल, जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह प्लान कर सकते हैं, लाइक FD ओपन करवाना है उसमें करवा लीजिए, आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो उस खाते से कीजिए, वो एक अलग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको शो करेगा, सेपरेट बैंक अकाउंट होगा। तो इस तरह से आप 2 अकाउंट ओपन कर लीजिए, या आप चाहो तो 3 अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, प्रेफर यही कीजिएगा कि जिसमें मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने का झंझट ना हो, डेबिट कार्ड के कम चार्जेस हो, तो ऐसे ही खाते आप ओपन करने का सोचिएगा। और इनकम टैक्स की स्लैब की बात कर ले तो 7 लाख रुपए तक की अर्निंग पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, अर्निंग मतलब जो आप यहाँ पर कमाई कर रहे हो, जो आपकी बचत है 7 लाख की, उसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स वगैरह नहीं देना होता है, भले ही आपकी जो इनकम है 20 लाख रुपए है लेकिन आपकी सेविंग 7 लाख भी नहीं हो रही है तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि 20 लाख में आप 20 लाख का 20 लाख थोड़ी बचत कर लोगे, वो खर्चे भी तो आपके होंगे ना, जो भी 10 लाख रुपए चाहे आप बिजनेस करते हो तो
बिजनेस में भी तो आप अपने खर्चे करोगे, तो सारा खर्चा करने के बाद में अगर आपके पास में 7 लाख रुपया सेविंग होता है तब आपको इनकम टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं देना है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था सेविंग अकाउंट को यूज करने का, पैसा फंड को मेंटेन करने, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।